हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिव चर्चा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको याद रखना है टाइमलेस और कलेक्टिव की रीडिंग होती है। हर एक बात आपके साथ रिजोनेट नहीं कर सकती। जो रिजोनेट होता है उसे रखें और जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। और यस, अगर आप स्टक सिचुएशन में हो, आपको रियलिटी जाननी है इस रिश्ते की, तो आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे जो है आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि आप कुछ निकल के आता है आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। गाइड कर यूनिवर्स, ट्रू मैसेजेस दे हमें इनकी पार्टनर की तरफ से। इस वक्त वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, एकदम हैप्पी माइंडसेट के साथ आपको शफलिंग को भी देखना होता है जिससे कि आपको पॉजिटिव रीडिंग मिले, ठीक है। वाओ, द सन का कार्ड आ गया है। यस, डेफिनेटली रिश्ते को स्टार्ट तो करना ही चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है डेफिनेटली, इनको हम साइड में रख देते हैं। बस अभी थ्रू मैसेजेस दे यूनिवर्स हमें इस रिलेशनशिप का पास्ट बताएं, क्या हुआ इस रिलेशनशिप में पास्ट में। टावर, यस, अब दोनों ने टॉप मोमेंट को फेस किया है। इतने जैसे कि मैं बोल सकती हूँ 6 महीने से 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। कुछ लोग 4-5 साल से भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं उसमें बढ़ती हूँ, ठीक है। तो यही टॉप मोमेंट आपकी लाइफ में एंटर किया है, जो कि शायद आपके पार्टनर किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होकर आपको छोड़ के चले गए थे और सडनली आपको बताया गया था कि वो आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को ला चुके हैं। और जिससे कि आपको इतनी तकलीफ हुई थी, बहुत ही मतलब टॉप मोमेंट, मतलब ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि इंसान को ना जान देने का दिल करता है, खुदकुशी करने का दिल करता है, जीने का मतलब ना मैं क्यों जी रही हूँ ऐसे ख्याल आने लगते हैं। और ये सिचुएशन जो है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपने फेस की है, तो नहीं, ये आपके पार्टनर ने भी फेस की है। जब ये आपसे दूर गए उसके बाद इनको रियलिटी, मतलब इनको सब रियलाइज हुआ, आपको मतलब छोड़ के उन्होंने क्या गलती की है ये इनको पता चला, ये आपसे दूर हुए तब। इसलिए ये टॉर्मेंट जो आप दोनों ने ही फेस किया है, ठीक है। हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स बताएं इनके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यस, इस वक्त तो आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अकेलापन है इनके अंदर, नर्वस है, रिग्रेट है इनको इस बात का कि इन्होंने आपको चीट किया, आपको छोड़ा, आपको इतना तरसाया, इतना रुलाया, जो कि ट्रांसफॉर्म तो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला, टावर मतलब कि पेनफुल सिचुएशन उन्होंने सही है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब जो डेड बॉडीज़ यहाँ पे गिरी पड़ी है। तो यही मूवमेंट, यही तकलीफ इन्होंने इतने टाइम में जो सही है वो ट्रांसफॉर्मेशन अब इनका कंप्लीट हो चुका है। इस रिलेशनशिप का जो भी पास्ट है, मतलब जो कि ओल्ड पैटर्न है, वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है एकदम चेंज हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, सैड एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, कि मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बावजूद ये आपके लिए अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आज भी इनको आपको मिस ही करना पड़ रहा है, इस बात के लिए इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। गाइड करें इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट, बताया हमें प्रेजेंट में क्या कुछ हो रहा है इस रिलेशनशिप में। यस, कम्युनिकेशन, आपको आपके पार्टनर जो है आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको करंट में ऑफर करना चाहते हैं डेफिनेटली दिल से इस रिश्ते को। जैसे कि आप देख सकते हैं तो सन का कार्ड आया है यहाँ पे, आपके पार्टनर दिल से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको ये ऑफर, ये जादू की वैंड, जादू की छड़ी आपको देना चाहते हैं, जिससे कि आप जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सको। जो आप मतलब कि ऐसा फैंस का मतलब यही होता है कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है ना वो कंप्लीट होने वाला है। आप अगर अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अगर रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर
करंट में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दिल से इस रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए वो रिग्रेशन में है कि वो जो है रिश्ता स्टार्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन डेफिनेटली दिल से वो किसी से, अपने दोस्तों से डिसाइड कर रहे, अपने वर्क प्लेस पे किसी से बात कर रहे हैं, कोई सोर्स ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के लिए और जो कि इनको बहुत जल्द मिल जाएगा या आपको ऑफर करेंगे, जो कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है बहुत जल्दी वर्क करने वाला है। गाइड करें यूनिवर्स, हमें और बताएं इस रिलेशनशिप के बारे में, इनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यस, ये जिम्मेदार पर्सन है, फैमिली का बहुत बर्डन है इनके ऊपर, लेकिन ये अपने हर एक जिम्मेदारी को निभा के आपको बड़ा वाला ऑफर देंगे। जो आप चाहते हो इस रिश्ते में आपको वही मिलने वाला है। ये आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना मिस करते हैं, जैसे आप इनकी पहले इतनी केयर करते थे, इतना प्यार करते थे, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, जिस लव को आज बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके जैसा सच्चा प्यार इनसे आज तक फिर किसी ने नहीं किया। ये फील करने को तरस रहे हैं आपका प्यार। आप उनसे जिस तरह से बात करते थे, उनकी जैसे केयर करते थे, आपकी हर एक बात इनको याद आती है, आपकी आवाज़ सुनने को ये तरस चुके हैं। अगर आपके इस रिलेशनशिप को 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे, क्योंकि ये दिल से आपको जो है सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे दो दो मिसिंग एनर्जीज के कार्ड आ चुके हैं। ये आपको वही कमिटमेंट देंगे जो आप चाहते हो, ठीक है। अगर ये आपसे मूव ऑन भी करके गए थे ना, या फिर अगर आप इनको बताओगे कि नहीं अब तो नहीं, अब मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, अगर आप ऐसा इनको कुछ बोलते हो ना, फिर शायद वो आपको मतलब ना चाहते हुए मूव ऑन करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है इस वक्त कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। इमोशनल फीलिंग्स आप दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, और इसलिए जो आप भी बहुत दिल से तमन्ना कर रहे हो इस रिश्ते के स्टार्ट होने की, दिल से इंतज़ार कर रहे हो। और यूनिवर्स, हमें मेरे व्यूअर्स की ट्रू फीलिंग्स बताएं इस वक्त की, मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यस, आप तो पास के झगड़े ही सोचते रहते हो, जैसे कि जब मैंने रीडिंग की, रीडिंग करते करते जब मैं जो बता रही थी पास आपका कुछ भी, तो आपके माइंड में जो है फिर सडनली ये जो झगड़े स्टार्ट हो गए कि कैसे झगड़ा किया, कैसे बोला, कैसा भरा बुरा, जो भी बोला, इंसल्ट किया, पीटा, मारा, जलील किया, वो सब कुछ आप जो इस वक्त सोचने लग गए। इसलिए जो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। आपको लगता है कि आप अपने आप को जो अपने पार्टनर के सामने ठीक से मतलब रख नहीं पाए, ठीक से उनको बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, इस तरह से जो आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन मिसिंग एनर्जीज तो आपकी तरफ से भी है, ठीक है। आपको भी सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर का इंतज़ार है, और जो कि दिल से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते आपके पार्टनर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 10 सन का कार्ड आया था, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपको जो चालाकी करके फंसाया था ना पास्ट में, चीटिंग की थी, उस चीटिंग को वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और शायद इसीलिए ना वो आपके लिए एक्शन नहीं लेते। उनको लगता है कि अगर ये आपके लिए एक्शन लेंगे ना, तो आप इनको ये चीटिंग याद दिलाओगे, इनको टॉन्ट मारोगे, इनको इंसल्ट करोगे, जो इंसल्ट ही नहीं सहना चाहते, इस तरह से है। गाइड करें, हमें ट्रू मैसेज देखे, फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शन लेंगे, गाइड करें। यस, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर सोच समझ के एक सही डिसीजन लेंगे जो इस रिश्ते को बैलेंस करेगा, ओके। और यस, वाव, बॉटम ए टॉप कप्स है, डेफिनेटली रिश्ता तो स्टार्ट हो ही जाएगा, रियूनियन होने वाला है बहुत सारे लोगों का, बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है, ठीक है। देखते इस वक्त आपके पार्टनर, यस, मैंने साइंस नहीं बताया क्योंकि मैं एक एक कार्ड निकाल के रीडिंग कर रही थी, ठीक है। तो साइंस में अभी बता देती हूँ आपको, एरिज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन ऑल साइंस रीडिंग होती है तो आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे नंबर है 4522 आपको एंजल नंबर दिख रहा हो, 555 दिख रहा होगा, और 777, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है इस वक्त, आपके पार्टनर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। यूनिवर्स, हमें ट्रू मैसेजेस दें इनकी पार्टनर की तरफ से, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे क्या बात करना चाहते हैं। ट्रू मैसेजेस दें हमें इनकी पार्टनर की तरफ से, क्या बात करना चाहते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपसे। ओके, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, देखा, कहा था ना मैंने, ये आपको बहुत याद करते हैं, आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं हो सकते हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडियाज फॉर यू, अगर आप इनका सोशल मीडियाज पे इनको बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हो तो ये सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, रियलिटी नहीं है वो, ठीक है। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ये सच में कौन है, कैसे है, इनकी रियलिटी आपको आज तक पता ही नहीं है। अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानते हो, अगर इन्होंने आपको जो भी बताया वो सिर्फ और सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन है,
आपको कंप्लीट इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, आप एक दिन ज़रूर एक साथ होने वाले हो। इस बात के ऊपर आपके पार्टनर को तो पूरा भरोसा है, तो आपको भी भरोसा करना पड़ेगा, राइट। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रॉलिंग, आपकी सेक्सी बॉडी को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जैसे कि हमेशा रीडिंग में निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पे भी सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड आ चुका है, जो कि आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। लेट मी परस्यू यू, ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, यस, ये आपको बताएंगे, आपको टच करके, आपको छू के, इनके एक्शंस के साथ बताएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये प्रूव देने वाले आपको बहुत जल्दी। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, ये चाहते हैं कि आपको भी उनकी वैसी ही ज़रूरत महसूस हो जैसे कि इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। और ये लास्ट वहाँ पर बॉटम में है, और बॉटम में है यहाँ पर, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, बिल्कुल भी आपको मूव ऑन नहीं करना है, ये रिश्ता बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ जो भी पॉइंट रेजोनेट हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवा रहे हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।